नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट सतेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉ सेंटर में। और आज हम जानेंगे कि AIB एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़ रहता है कि मैंने LLB में पास कर ली, उसके बाद अपना इनरोलमेंट करवा लिया। इनरोलमेंट करवाने के बाद में मुझे AIB का एग्ज़ाम देना होगा। इस AIB एग्ज़ाम में मुझे पासिंग मार्क्स नंबर कितने लेने होंगे? तो फ्रेंड, ये स्टूडेंट का कंफ्यूज होता है और वो बार बार नेट पे साइट पे चेक करते हैं, लेकिन उनको ये नोटिफिकेशन वगैरह नहीं भी मिल पाता है। तो मैं आज हम जानेंगे कि AIB एग्ज़ाम में आपको पासिंग मार्क्स नंबर कितने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जब आप अपना इनरोलमेंट करवा लेते हैं और उसके बाद में आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है और आप 2 साल के लिए एडवोकेट बनते हैं। उसके बाद आपको AIB का एग्ज़ाम देना होता है। ये एग्ज़ाम BCI कंडक्ट करवाती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को पास कर देते हैं, उसके बाद आप एक सर्टिफाइड एडवोकेट बन जाते हैं और भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम आपका लॉ की बुक जो पढ़ी हुई है उनसे आता है। इस एग्ज़ाम में आपको पासिंग मार्क्स नंबर 40% नंबर प्राप्त करने होते हैं और SC ST को 35% 35% नंबर लेने होते हैं। जैसे ही आप इस एग्ज़ाम में 40% नंबर प्राप्त कर लेते हैं, आपको BCI एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, जिसके बाद आप भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। SC ST को 35% और OBC और जनरल को 40% नंबर इस एग्ज़ाम में लेने होते हैं। उसके बाद आप भारत के किसी भी न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकते हैं। BCI आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सर्टिफिकेट देता है, जिसे प्रैक्टिस ऑफ सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसके बाद आप सर्टिफाइड एडवोकेट बन जाते हैं। मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आपको पासिंग मार्क्स नंबर कितने चाहिए। तो फ्रेंड, सितंबर 2019 में, 15 सितंबर 2019 को BCI द्वारा AIB का एग्ज़ाम लिया गया था। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन थे। हर AIB का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। लेकिन जो ये एग्ज़ाम हुआ था, इसमें खास बात यह थी कि इसमें BCI द्वारा 8 क्वेश्चन गलत डाल दिए गए थे, 8 क्वेश्चन गलत डाल दिए गए थे। जब स्टूडेंट द्वारा इस एग्ज़ाम की जब आंसर की आई और आंसर की का मैच किया गया, तो ये 8 क्वेश्चन स्टूडेंट को गलत मिले। स्टूडेंट द्वारा जब इसका ऑब्जेक्शन किया गया BCI को, तो ये BCI ने 100 में से 8 क्वेश्चन डिलीट कर दिए। BCI ने इन 8 क्वेश्चन को हटा दिया, जिसके बाद टोटल 92 नंबर में से मेरिट बनाई। मेरिट मतलब जिन स्टूडेंट ने 92 में से टोटल 37 नंबर प्राप्त किए, जो OBC और जनरल के हैं, और SC और ST के जिन्होंने 35%, टोटल 32 नंबर प्राप्त किए 92 में से, 92 नंबर में से, उनको पास माना गया। ये प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रूफ आप जो BCI की साइट है, आप वहाँ से वहाँ पे जाएंगे गूगल में, जैसे ही AIB आप टाइप करेंगे, उसके बाद में आपको आएंगे गूगल में, आपको 23 नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो AIB द्वारा डाला गया था। इस नोटिफिकेशन में स्पष्ट बता दिया गया था कि BCI द्वारा 100 में से 8 क्वेश्चन को हटा दिया गया है, और जिन स्टूडेंट ने 35% 92 में से और 40% 40% OBC और जनरल को जिन्होंने प्राप्त किए, उनको पास माना गया। तो इसमें स्पष्ट हो गया था कि SC ST को 35% और जनरल और OBC को 40% नंबर चाहिए। ये नोटिफिकेशन मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है नोटिफिकेशन का। ये नोटिफिकेशन आपको बताता हूँ, आप भी इसको चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, बताता हूँ आपको नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर AIB/WS/151/23 नवंबर 2019। फिर बताऊँ, नोटिफिकेशन नंबर AIB/WS/151/23 नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि BCI द्वारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, उसमें से जिन स्टूडेंट ने 92 नंबर प्राप्त किए, मतलब 8 क्वेश्चन BCI द्वारा हटा दिए गए थे, क्वेश्चन गलत थे, इसलिए जिन स्टूडेंट स्टूडेंट ने 92 में से
40% जर्नल और ओबीसी, और 35% एससी और एसटी, 35% एससी और एसटी कैटेगरी के जिन कैंडिडेट ने प्राप्त किए उनको पास माना गया था। ये पासिंग मार्क्स स्पष्ट दिया हुआ था इसमें, 92 में 92 का पासिंग मार्क 40%, 37 मार्क्स, और 92 का 35%, 32 नंबर, 32 मार्क्स जिन स्टूडेंट ने प्राप्त किए जो एससी एसटी कैटेगरी से, उनको पास माना गया था। तो फ्रेंड आपका इस एग्ज़ाम से संबंधित कितने आपको नंबर प्राप्त करने होंगे ये कन्फ्यूज दूर हो गया होगा। तो फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में AIIB के एग्ज़ाम से संबंधित कितने नंबर लेने हैं आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आप भी इस नंबर के बारे में चेक करना चाहें तो आप BCI की साइट पे 23 नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पासिंग मार्क्स नंबर कितना चाहिए। तो फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखने के बाद में इस आपका ये डाउट दूर हो गया होगा। तो आपको फ्रेंड ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड धन्यवाद। तो हाँ यार फ्रेंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।